अलमदिल्ल रबी वसलासम सैदिलमसली वबी अजमा अम्मात फ़ाउबिल्हि मिनशाउरजीम बसमीम असल व्यवर्स आप देखें रमज़ान के रंग स्पेशल इफ़ार ट्रांसमिशन और मैं हूँ आपका हो सैद उस बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हम आपको खुश आमद कहते हैं सर ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है कि एक बंदे को ख्वाब आया उसको अपने फ़ौजशुदा वालदे में से कोई बंदा मिल गया बहन भाइयों से रिश्तेदारों का से मिल गया वो कहता है भाई मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या उसको ख्वाब मिल जाता है कि उसको साथ लेकर चला गया और बाद अकात ऐसा होता है कि वो जब उसकी आँख खुलती सबसे पहले तो घबराता है कि भैया मेरी शायद बारी आ गई है तो अक्सर वैसा तो देखा है कि लोगों की वफ़ात भी हो जाती है उसके बाद और बाद कई लोगों को देखा उन्होंने बीस बीस साल भी ज़िंदगी गुजारी है ये क्या सिस्टम है जी हो सकता है ऐसे बुखारी मुस्लिम अदीस है मेरे बाद नबूत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी है पूछा गया वो क्या है तो फरमाया गया कि खबाब खाँग। ख्वाबों के जरिए जो गैबी खबर जो पहले पैगम्बरों के जरिए आती थी ना अब उसका एक मॉडल बाकी है नहीं, इल्हाम नहीं, सिर्फ गया अच्छा, अब ख्वाब की भी बुखारी मुझल में आया तीन किस्में अल्लाह की तरफ से शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से सही जो शख्स हर वक्त सोचता है मैं मर जाना है मर जाना है तो उसको रिश्तेदार तो आगे मिलेंगे उसके दिमाग का भी हो सकता है मामला ठीक अगर अल्लाह की तरफ से ख्वाब है ना तो वो कुछ दिनों बाद अगर वो चला गया तो यकीन फिर अल्लाह की तरफ से खबर थी और अगर वो नहीं गया मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आठ से चालीस साल पहले ख्वाब देखा जिन्हें इशारा हुआ रिश्तेदारों ने कि भाई डेढ़ अपने गिन शुमार, अच्छा। गिन शुमार कर अल्लाह का शुक्र है कि चालीस साल से ज्यादा हो चुके हैं वो डेढ़ महीना भी पूरा नहीं हुआ तो अगर वो पूरा हो जाता तो हम कहते हैं कि ठीक है खबर आई है बाकी वो जाहिर है जो लोग जरा डिप्रेस हो जाते हैं तो इस तरह की बातें वो करते हैं पॉसिबिलिटी है जब तक इसकी एग्जीक्यूशन ना हो जाए प्रैक्टिकली कोई वसूख के साथ नहीं कह सकता बिल्कुल ठीक इमरान खान साहब ने दो हजार तेरह में इलेक्शन से पहले ख्वाब देखा और उन्होंने टीवी पे बयान किया कि क्लीन स्वीप मैं करूंगा तेरह में नहीं कर सके अठारह में भी नहीं कर सके क्लीन स्वीप तो नहीं किया ठीक। अच्छा अब तो वैसे ही मामला तो तो जी अब क्लीन स्वीप किया था छोड़ दें अब क्या सूर्त हाल ये तो एक टॉपिक फिर और शुरू हो जाएगा अब वही कुछ हुआ है जो 2018 में हुआ था बस सिर्फ फाइल और मफूल बदल गए। बिल्कुल ठीक हाँ। बिल्कु है बिल्कुल सही ये बताएं कि जब हमने बाद देखा कि बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको पहले अंदाजा हो गया था कि मैं जा रहा हूँ अपनी तैयारी कर लेते हैं क्या रखसत होने वाले को कुछ अंदाज़ा होता है कोई ऐसी निशानियाँ होती हैं कि उसे लगता है कि मैं अब दुनिया से रुखत होने वाला हूँ या कोई अल्लाह ताला की तरफ से उसको इशारे होते हैं या कोई ऐसे उसके साथ कोई अमाल हो जाते हैं उसके साथ कोई ऐसे अफाल हो जाते हैं कि उसको इशारा हो जाता है कोई ऐसा है नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है ठीक कोई हाथाती तौर तो पर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए कोई स्पेशली हो जाए शरीय में कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है शरीय तो कहती है वला तम तुम्न अम तुम मुस्लिम देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में किताब फ़रमान मरना हर वक्त तैयारी करो देखें जो अचानक हो जाती है उन तो सोचा नहीं होता कितने नौजवान है हार्ट फेलियर हो जाता है रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उन्हें कोई इशारे तो नहीं आए होते कोई इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई ख्वाब के जरिए कोई ऐसा मामला हो जाए बाकी ये रूल के तौर पे नहीं है कि अल्लाह तला ने लाजमी किसी को सिग्नल देना है वरना तो टेस्ट खत्म हो जाएगा हाँ टेस्ट ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल सिग्नल इस तरह आ सकता है कि अगर आप किसी ऐसे मर्ज में मुबतला हो गए कि डॉक्टर ने मेडिकल लाइफ आपकी बता दी है कि छह महीने रह है और उमन डॉक्टर्स की खबरें ठीक होती है छह नहीं तो सात महीने हो जाएगी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनकी कोई असैसमेंट गलत भी हो है। जाती है लेकिन जो मरीज है इनके साथ ऐसा होता है और ऐसा अगर हो तो मरीजों को बता देना चाहिए अच्छा हाँ उसकी वजह है कि छह महीने कौन सी इतनी लंबी जिंदगी है कि अगर आप उनको बताते हो आप कहते हैं वो गम से ही मर जाएगा तो उसने जीना भी कितना था एटलीस्ट वो तोबा कर ले नज़ा का आलम अभी उस पर कि मौत के गर्रे से पहले तोबा कबूल है मैं कहता हूं कोई शख्स बड़ा खुश नसीब है अब तू इतने हफ्तों का मेहमान है उसे बता दें ठीक जाना तो है ना जी मुसलमान क्यों घबराए मरना तो है ना मर जाना है बिल्कुल है जो बता रहे हैं वो पहले चले जाए भाव ऐसा भी होता है जो डॉक्टर खबर दे रहा होता है छह महीने बाद जाना तो तीन तो तो महीने बाद खुद चला जाता है।, है तो इसका फायदा यह है कि आप कम से कम उससे तोबा करवा सकते हैं बिल्कुल ठीक है वो यानी और तो उसके ऊपर ये भी फार्मूला नहीं लगेगा कि इसने मौत के घर में तोबा की है मौत का घर अभी नहीं आया उस उसमें घर वो है जिसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है जब यहाँ पे सांस अटक जाता है तोबा का मौका मिल गया ये बड़ी नेकी है उसको बता दिया जाए बिल्कुल ठीक बिल्क बिल्क है बता ये बताएं कि क्या मरने से पहले अपनी कबर की जगह की निशानदी कर देना कि भाई मुझे यहाँ दफनाना ला के लाजम ये मेरी खबर यहाँ बनाई जाएगी या पहले से जगह खरीद के रख लेना कहा जाए कि मुझे इस जगह पर दफनाया जाए लाके ये ठीक? अच्छी चीज़ है ऐसे करना चाहिए बेहतर है कि ऐसे किया जाए ठीक कि आप अपने लिए जगह कोई मखसूस करें सही देखिए ना सही उमर ने सही बुखारी में आता है कि जब उनको जख्म लगा तीन चार दिन तक ये हालत रही कि जो कुछ खाते थे मैदा कट क्या था निकल जाता था निकल फिर उन्हें ये पता चल गया अब मैं नहीं बचूंगा फिर उन्होंने छह रुकनी कमेटी बनाई सईद उनमान तलहा जुबैर बिन औफ और इब्न साबनबी वकास की ये बड़ी लंबी हदीस है पांच छः सफों में फैली हुई है थर्टी सेवन हंड्रेड नंबर हदीस है बुखारी में उसमें फिर ये भी आता है कि उन्होंने अब्दुल्ला इबन उमर को अम्मा आयशा के पास भेजा कि जाओ उनसे कहो कि उमर अपने दो साथियों के साथ दफन होना चाहता है Allah और कहना उमर बिन ठीक है, है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको वो हुक्म समझ ले मैं बस उमर बिन हुए अगर इजाजत दे दें दे तो ठीक अदरवाइज मुसलमानों के कब्रिस्तान में कर देना वो वापस आए तो कहा कि अभी अम्मा कह रही है कि ये एक कबर की जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी ये सबूत हो गया कि अपने लिए कबर की जगह रखी जा सके बिल्कुल लेकिन आज उमर को मैं अपने पे तरजीह दूँ लेकिन हजरत उमर ने फिर भी कहा कि वफात के बाद एक दफा फिर तो अपनी राह में शहादत की और मुझे रसुल्ला के शहर में मौत देना दोनों दुआल हुई बिल्कुल ठीक है अच्छा ये बताया कि आ जाता है किसी नेक शख्स को किसी कब्रस्तान में दफना देना जहाँ पे गुनागार मौजूद हो जिनको दफनाया गया तो उसके वहाँ कब्रस्ता में दफन होने से बाकी जो मुर्दों पर कब्रों का अजाब हो रहा है तो उसमें तकफीफ़ हो जाती है या कुछ खा, खास कोई ऐसे आयाम की कोई चीज़ तो खैर रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट हुई है बुखारी मुस्लिम में कि एक मज़ नब्बी में हबशिया औरत सफाई करती थी कुछ दिन वो गायब रही तो नबील साहब ने पूछा कि वो औरत नहीं आ रही तो बताया गया यारसोल्ला वो तो चंद दिन पहले फोत होगी आपने फरमाया आपने मुझे बताया नहीं है आपने फया कबर हाँ। कबर कबर आप तो ये कबरे अंधेरों में डूबी हुई थी मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इन सबको नूर से भर दिया ये हो सकता है कि कोई नेक आदमी कब्रस्तान में जाके दुआ करे या अहले कब्रस्त के ऊपर जनाजा पढ़े, वो पढ़ सकते हैं अपनी से चंद महीने, एक महीना पहले आमर कहता है आखिरी दफा को मेम्बर पर देखा और वो आपका खुदबा वहां पर था बकी हरकत कब्रस्तान में कहा कि देखना मेरे बात काफर ना हो जाना एक दूसरे की गर्जने काटना शुरू कर मुझे अपने बात तुमसे खतरा नहीं भूखे मरोगे बल्कि यह खतरा है कि अल्लाह तला दुनिया के खजाने तो मैं देगा रोम के खजाने फिर आगे ना तो असल में हजूर ने मैसेज दिया कि देखो ओहद में यहाँ वो लोग दफन है जिनकी कुर्बानियों का फल तुमने बाद में है। ये लोग दुनिया में नहीं खा सके ठीक है और दूसरा तुमने मर के इधर ही आना है ऐसा ना हो कि दुनिया की मोहब्बत में डूब जाओ उसमें अल्फाज है कहीं ऐसा ना हो मुझे खदशा है कि तुम भी फिर एक दूसरे को दुनिया की मोहब्बत में कतल करोगे और तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग बर्बाद तो इससे ये भी साबित हुआ कि आप कब्रिस्तान जाके भी जनाजा पढ़ सकते हैं ठीक तो जनाजा पढ़े नेक बंदा कोई जनाजा पढ़े कोई दुआ करे तो यकीन सुनबिन माजा में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया एक शख्स का मरने के बाद जन्नत में मरतबा बुलंद किया जाता है तो वो पूछता है अल्लाह ये तो मेरा अमल नहीं था तो अल्लाह तो तो कहता है तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए इस्तार किया मैंने तेरा मरतबा बना सुबह अल्लाह अली भाई ये बताएं कि जब बंदा कब्रस्तान जाता है अपने वालदे की कब्र पर जाता है या किसी भी फौज शुदगान की कब्र पर जाके दुआ करता है क्या जो कबर में मौजूद मैत है उसको खबर होती है कि मेरे मेरे पीछे कोई आया दुआ करने के लिए देखें एक तो ये दिस जो मैंने सुनने माजा की बताई कि अल्लाह ते ख़बर देता है कि तेरे बेटे ने इस्तफ़ार की

मुसलमान अपने फौजुदगान के लिए बनफी सब वो अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं जो पहले ईमान की हालत में जा चुके वो आपने करनी है लेकिन जो हम ये सलाम करते हैं ये सलाम का उन तक पहुंचना ये बर्जखी मॉड है अगर को कहता है ये फिजिकल पहुंचना है फिर इसका लाजमी नतीजा है कि जब वो वालकम सलाम कहते हैं ना तो हमें बार आवाज आनी चाहिए ठीक तो बार तो नहीं आती इस तरह हमारे भी अंदर कोई नहीं जाती अच्छा। बल्कि अल्लाह हमारी बात उन तक पहुंचाता है सवाए उन चीजों के जिनका इसतिसना है जिसना बुखारी मुस्लिम में आता है कि जब मुर्दे को दफना के लोग जाते हैं तो वो उनके कदमों की आहट सुनता है उसकी हसरत में इजाफे के लिए कि ये छोड़ के चले गए या अहले ईमान के लिए तसली के देखो ये तो छोड़ के चले गए तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ सुबह में इंसान के तीन दोस्त बिल्कुल ठीक दो बाहर रह जाते हैं एक ही अंदर जाते हैं अमाल अंदर जाते हैं रिश्तेदार और माल बाहर रह जाते हैं बिल्कुल ठीक है एक बड़ा अहम सवाल ये है कि हम जब जनाजे के मौके पर देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि एहल सुसनत का जनाजा तो एहल तशो बाद में आते हैं एहल सुसनत के यहाँ चार तकबीरत हैं और एहल तैयो के यहाँ पाँच तकबीरत हैं वो चार तकबीर करके एक तकबीर अपना इजाफा करके वो तो जनदा पढ़ लेते हैं लेकिन बाद अगर મે અગર ایسے કોઈ ફિઝાબ બન જાય કે اہل تشય વધારે پڑھا رہے ہیں તો اہل સુન્ન વધારે پڑھنا ہے તો جب وہ ચાર تکبیرات हो जाती हैं तो اہل સુન્ન હઝરાત کیا કરે પહેલે સલામ ફેર લે એ કે ઇંતજાર કરે નહીં اہل સુન્ન કે ابھی પાંચ تکبیریں છે ચારમી એ પાંચમી છે બુખારીજી મે ચાર تکبیرات હે મુસ્લિમ શરીફ મે પાંચ હે નબવીલ સલમ ને પાંચ تکبیرات اہل સુન્ન અપને જનાદામાં પડતે ہیں اہل દીસ તો પાંચ ही کرتے ہیں ہمارے ઉસ્તાદ શેખ Zubaili Zai sahab કા جب જનાદા ہوا ઉનહોને વસીયત કી થી કે પાંચ تکبیرات હોંગી

में एक रवाज था कि वो रंगदार खुशबू जिसम पे मलती थी ठीक तो लोगों ने कहा आपका तो बाप बहुत हुआ उन्होंने कहा मैंने इसलिए तो किया कि नबी साम ने फरमाया था जो औरत अल्लाह और जोम आखरत पर ईमान रखती है उसके लिए ये चीज़ जायज नहीं कि वो तीन दिन से ज़्यादा शौक करे सवाए अपने खावन के मरने के ऊपर चार महीने दस दिन तो मेरा बाप मरा आज तीन दिन पूरे हुए मैंने एलानिया सौक के ख़त्म होने का ऐलान किया हालांकि नहीं था अल्लाह ये लोग कहते हैं जान जानबूझ के इस तरह की रखते हैं क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं ताकि आपका दिमाग खोले ये हमारी माँ की सुन्नत है हमारी माँ को कोई जरूरत नहीं थी कि अपने बाप के मरने के तीन दिन के बाद वो खुशबू मलती ये बताने लेकिन